मीरा तो मीरा ही थी, पर बाई कैसे? एक उन्हीं के गांव की घटना है। मीरा 5 साल की थी और मीरा के गांव में एक बारात आई। क्या आई? बारात। तो मीरा दौड़ती दौड़ती आती है, ए माई ये क्या हो रहा है? बोले हमारे जो गांव के पड़ोस वाली लड़की है ना, उसकी शादी है। बोले जो घोड़ी पर बैठा है ये कौन है? बोले दूल्हा। हाँ, मीरा रोती रोती कहती है, भाई मेरा दूल्हा कब आएगा? मीरा रो रही थी। आज मीरा की माई ने कहा, तेरी शादी तो हो गई। बोले किसके साथ? बोले गिरधर के साथ। और मीरा जब बड़ी हुई, राणा के साथ विवाह कर हो रहा था, तो बाई मीरा पूछती है, माई ये कौन है? बोले ये तेरा दूल्हा से। ओहो माई, तूने तो कहा था मेरी शादी हो गई गिरधर के साथ, ये कौन सा दूल्हा है? मेरा भाई कहती है, ऐसे वर को क्या वरूं, जीव यार मर जाए, बरिए गिरधर गोपाल को जो मारो चुड़लो अमर हो जाए, मारो चुड़लो अमर। मीरा कहती है, अब मुझे ऐसा बर नहीं बनना है जो मरे और जिंदा हो, मरे और जिंदा, मुझे तो ऐसा बर मैंने बर लिया है जिसको वो मरता नहीं और जिसका चुड़ला कभी टूटता नहीं, वो महारा तो महाराज गिरधर गोपाल से। बोलो है या नहीं? मीरा को इसी शब्द ने मेरा भाई बना दिया। अगर आपके जीवन में भी कोई सत्संग का शब्द जुड़ जाएगा तो भाइयों आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों महाराज? हो जाएगा ना? मारो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मारो पति सोई, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये भाव लेकर आप मीरा का वृंदावन में आओगे,